Bismillahir Rahmanir Rahim. Surah Nisaf, 7th class. Our topic in general science is physical and chemical changes. इसके हम questions कर रहे हैं आजकल, और आज हमने करना है question number 5. आप page number 76 पर देखिए. तो आपका सवाल जो है, when a candle burns, both physical and chemical changes take place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place. आपके पास एक शमा है, आप इसको जला रहे हैं, तो शमा जलने के दौरान दोनों चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी. फिजिकल चेंज इसमें आता है दिस मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज. इसमें मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जब वैक्स मेल्ट होता है तो फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई नया चीज नहीं बनता है. लेकिन अब बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज. As it produces CO2. जब वैक्स जब यह जलता है तो उस दौरान उसमें वो जो गैस बनता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहां पर एक नया चीज बनता है. सो बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज, यानी दो किस्म. अब आपका एक और पार्ट है इसमें, गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज टेक प्लेस. इसी तरीके की और एक आपको प्रोसेस बतानी है जहां पर फिजिकल चेंज भी होती है और केमिकल चेंज भी. दैट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. देखिए, फिर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में क्या होता है, जब आप फूड लेते हैं, यू ब्रेक डाउन इट इनटू स्मॉलर पीसेस, फूड आपके मुंह में होता है या स्मॉलर पीस में ब्रेक होता है, तो इसमें कोई कंपोजिशन की चेंज नहीं होती है. लेकिन जब यही फूड जो जब इसके साथ HCl वगैरह या एंजाइम्स जब इसके साथ मिलते हैं, तो उस वक्त ये केमिकल चेंज बन जाए, क्योंकि समथिंग न्यू इज फॉर्मड हियर. तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ ए कर्ड इज अ केमिकल चेंज. आपके पास दूध है, दूध को आपने दही बना दिया, जब दही बन गया तो आपने देखना है कि ये जो है सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज क्यों है, ये केमिकल चेंज इसलिए है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मिल्क या कंपोजिशन की हम बात कर देंगे, तो मिल्क और दही जो है एक जैसा नहीं है, बल्कि ये अलग है. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ केमिकल चेंज. एज इट इज डिफरेंट फ्रॉम मिल्क, जो कर्ड होता है कर्ड मिल्क से डिफरेंट होता है. दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6. Now we will see question number 7. Explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes. आपके पास अगर wood है, लकड़ी है आपके पास, आपने इसको छोटे छोटे pieces कर दिए, तो दिस इज अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि इसकी कंपोजिशन तो चेंज नहीं हुई, wood है तो wood ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ. लेकिन जब उसको जलाते हैं,
जलाने के दौरान इसमें इट इज ट्रांसफॉर्मड इनटू चारकोल एंड देयर इज एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एक तो चारकोल बनता है, दूसरा ये चीज है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होता है, जिससे केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये क्वेश्चन नंबर सेवन, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर सिक्स, नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन। कटिंग ऑफ वुड इंटू स्मॉलर पीसेस इज ए फिजिकल चेंज। As it is composition doesn't change, इसकी composition change नहीं होती है। अब burning of wood produces charcoal एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ वुड में चारकोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज अ केमिकल चेंज। इसलिए केमिकल चेंज है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जो आपने तीन क्वेश्चन किए कैंडल वाला, और आपने ये भी देखा कि ये जो है कर्ड फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। इस तरीके से आपने देखा कि बर्निंग ऑफ वुड और कटिंग ऑफ वुड, इसमें ये अलग अलग चेंजेस क्यों है। तो आप ये तीन क्वेश्चन करें, कल हम जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं तो वह हम इंशाल्लाह कल करें।